सब्सक्राइब कीजिए रियल फैक्टर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस छोटे से बॉक्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। दोस्तों बता दूं, इस बॉक्स में मिनी ट्राइपॉड जो कि एक यूट्यूबर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हो रियल फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमने इस पेपर को डिब्बे से निकाल लिया है। अब दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों देख, इसके अंदर इस ट्राइपॉड का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एम मेमोर मिनी ट्राइपॉड यूनिवर्सल YT228। दोस्तों इसके आगे इसकी जो प्राइस लिखी हुई है, तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है अमेजोन पे 125 रुपीज़ मेरे को पड़ी है। और दोस्तों इसका जो कोरियर चार्ज है वो 70 रुपये मेरा लगा है। तो दोस्तों बता दूँ, इसका जो टोटल चार्ज 195 रुपये मेरे से लिया गया है। अब दोस्तों हम डिब्बे के अंदर देखते हैं कि इसकी ट्राइपॉड की जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो जल्दी से इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, इस मिनी ट्राइपॉड को एक बड़े से डब्बे में पैक किया गया है। डब्बा हमने ऑलमोस्ट ओपन कर लिया है। दोस्तों इस डिब्बे के अंदर हमें मिलता है एक और डब्बा, और इसके साथ में हमें मिलता है एक छोटा सा माउंट। दोस्तों इस माउंट को आप देख सकते हो, इसकी जो हम ऑनलाइन प्राइस की बात करते हैं, तो दोस्तों यदि आप ऐसा कोई माउंट ऑनलाइन खरीदते हो तो उसकी प्राइस 100 से 150 रुपये के लगभग आपको मिलती है। दोस्तों मैंने इससे पहले एक ऐसा ही ट्राईपॉड ऑर्डर किया था जिसकी प्राइस मेरे को 149 रुपीज़ पड़ी थी, यानी कि 149 रुपये में मैंने यह ट्राईपॉड खरीदा था। और दोस्तों यह पैक मैंने टोटल 125 रुपये में खरीदा है, जिसके साथ मुझे मोबाइल माउंट फ्री मिल चुका है। अब देखते हैं इस दूसरे बॉक्स के अंदर क्या है। तो दोस्तों इस बॉक्स को साइड में रखते हुए इस छोटे से बॉक्स को फिर से ओपन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, इस बॉक्स के अंदर हमें एक पन्नी मिली है। इस पन्नी के अंदर है एक छोटा सा ट्राईपॉड। तो दोस्तों यह बिल्कुल ही छोटा सा ट्राईपॉड है, जैसा कि हमने सोचा था, ये मिनी ट्राईपॉड है। दोस्तों इसकी जो हम क्वालिटी की बात करते हैं, तो इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है दोस्तों। बट यदि आप एक छोटा ट्राईपॉड खरीदना चाहते हैं, वो भी 100 से लेकर 150 की बजट में, तो दोस्तों बता दूं ये ट्राईपॉड इतना भी बुरा नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें ये माउंट करने की, जो कि हमें यदि इसके साथ मोबाइल को अटैच करना है तो ये मोबाइल माउंट इसमें अटैच करना होगा। दोस्तों हम बात करते हैं कि यह DSLR सपोर्ट कर पाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों बता दूं, जैसा कि हम अमेजोन पे यह प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ दिखाया गया कि हम इसके साथ DSLR यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों इसकी क्वालिटी को देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यह DSLR को सपोर्ट नहीं करेगा। क्या पता आप यदि इस पर अपना DSLR माउंट करते हो तो वह डैमेज भी हो सकता है। बट दोस्तों यदि मोबाइल माउंट हमें करना है तो यह एक अच्छा ट्राईपॉड आपके लिए साबित हो सकता है। तो दोस्तों हमने फाइनली इस ट्राईपॉड को खोल लिया। इसके ऊपर मैं आपको एक बार यह मोबाइल माउंट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यह चिप है, इसको हम नीचे की तरफ ले जाते हैं और इसके ऊपर यह मोबाइल माउंट कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो, हमारा ट्राईपॉड पूरी तरह से तैयार है। यदि हम कोई भी वीडियो शूट करते हैं तो दोस्तों यदि हमें अपने मोबाइल को होल्ड करना है तो यह ट्राईपॉड आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों अपने मोबाइल को यहाँ पे होल्ड करने के लिए इसको ऊपर की तरफ खींचना है और इसके अंदर अपना मोबाइल हम फिट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक बटन दिया गया है, यहाँ पे लॉक और यहाँ पे अनलॉक का सिंबल दिया गया है। तो दोस्तों अनलॉक लॉक क्या है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे, अनलॉक का सिस्टम है। दोस्तों जैसे इस बटन को इधर करते हो तो दोस्तों यह मूव होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अनलॉक हो जाता है। तो अपन इसको किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं, और जैसे इस बटन को छोड़ते हैं दोस्तों ये लॉक हो जाता है, हिलता नहीं है। तो यानी कि हमें किसी भी डायरेक्शन में वीडियो को शूट करना है तो हमें अनलॉक करना होगा। बाद में इसको हम किसी भी प्रकार से ऐसे किसी भी एंगल पे हम इसको मूव करा सकते हैं, और यदि हमें जिस एंगल पे हमारे मोबाइल को रखना है उस पर करके हम इसको लॉक कर देंगे ताकि ये हिलेगा नहीं।
अब दोस्तों बात करते हैं यह ट्राइपोड किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों यह ट्राइपोड उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जो लोग अपने किसी भी टेक्निकल या फिर कोई भी ऐसा वीडियो बनाते हैं, जो बैठकर किसी चेयर पे बैठकर वीडियो बनाते हैं, उनको बस अपने मोबाइल को होल्ड करने की आवश्यकता, तो दोस्तों ये ट्राइपॉड अच्छा हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या फिर सेल्फी वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों उनके लिए भी ये ट्राइपॉड अच्छा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यदि हमें कोई भी ग्रिम्बल लेते हैं सेल्फी वीडियो बनाने के लिए ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो, तो दोस्तों ग्रिम्बल की जो प्राइस होती है वो लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में होती है। दोस्तों यदि आप एक बिगनर यूट्यूबर है तो आप जरूरी नहीं आपका बजट इतना हो, और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पे इतना खर्चा ना करें जब तक तो कि आपके फर्स्ट या सेकंड पेमेंट ना आ जाए। तो दोस्तों आप यह 125 रुपये में मिनी ट्राइपॉड ले लीजिए और इसको आप अनलॉक करके ऐसे सेल्फी वीडियो बना सकते हो। दोस्तों हम यहाँ पे अपने मोबाइल को माउंट करना है और आप इस प्रकार अपने मोबाइल को पकड़कर आप सेल्फी वीडियो भी बना सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों यह ट्राइपॉड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।